पेट तोड़ने लग गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज फ्राइडे मॉर्निंग और मैं नहा धो के रेडी हूँ। आज हेड वॉश लिया बहुत दिन बाद, कुछ दिन से मेरी तबीयत ऑफ चल रही थी, सर्दी थी तो मैं हेड वॉश नहीं ले रही थी। आज बहुत दिन बाद हेड वॉश लिया है और आज धूप भी निकला है तो होपफुली मुझे और ठंडी ना लगे। ये आज का मौसम, धूप निकला है अच्छा सा, बट ठंड तो फिर भी रहती है यार, तो सर्वन होने बहुत डर लगता है। आज निमी को भी मैंने नहला दिया है, अभी करीब 11 बजे निमी को भी नहला दिया है। उसको भी आज करीब लिटरली मुझे याद नहीं है मैंने निमी को लास्ट शैम्पू कब कराया था, उसको भी आज बहुत टाइम बाद है शैम्पू कराया। तो अभी 11 बजे जैसे मैंने आपको बताया और मेरा अभी लंच प्रेप डगमगाया हुआ है, तो जल्दी जल्दी वो काम पूरा करूँगी। एंड ऑन दिस नोट लेट्स रोल द डे। आइए निमी, नहा धो के रेडी। निमी, आपको हेयर शैम्पू करने में डर लगता है? नहीं। अच्छा, आप कैसे खड़े होके सर में पानी डालते हैं? थोड़ा दिखाओ, ग्लास पकड़ के दिखाओ। हाँ, निमी ऐसे खड़ी होती है और मामा ऐसे सर में पानी डालती है और हेड वॉश करते हैं। वो शावर के अंदर खड़ी थी पर उसको डर लगने लगा थोड़ी देर बाद, जब फेस के ऊपर पानी आने लगा, इवन दो शी वाज क्लोजिंग हर आईज, तो वी एंडेड अप डूइंग लाइक दिस एंड पुटिंग द वाटर। और एक चीज़ बताती हूँ, संदीप ना काम करते करते अपने चेयर में सो गया है शायद, मैं दिखाती हूँ आपको। I told you guys, ऐसे वो सोचता है, this is thinking question. मैं जब पढ़ता हूँ तब क्यों सो जाता हूँ? तुमको कंसंट्रेशन के लिए नींद चाहिए। How are you? Good. Ashu Hunter, no more. गाइस, हमने सुबह नारियल पानी पिया था तो दोनों ही नारियल में अंदर मलाई था, मतलब पतला पतला नारियल था, तो मैंने वो निकाल के रख दिया था। अभी सब खा रहे हैं। ये रहा, ये बच्चा ने बिल्कुल नहीं टेस्ट किया, पता नहीं उसको देख के इसका टेक्सचर ही पसंद नहीं आया। होल्ड द बॉल, चलो टेक टू बाबा। बाबा वांट टू हैव वन बाइट। Slowly. मैं आज आप लोग को इतने पते की चीज बताने वाली हूँ ना, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो जमा देखिए, आशु गुस्सा कैसे थूकते हैं बेटा, मेरा कोपट हो जाएगा लग रहा। आशु गुस्सा कैसे थूकते? और आप भी कर रहा था यार, ठीक है। आशु गुस्सा कैसे थूकते हैं? लुक, इट्स सो इजी। Make the rice go bad. Thank you. Mama, why did you carrot? Carrot was. Oh, I didn't eat ना जब मैं छोटा था. But I ate. हाँ, that's why no चश्मा. Look, mama poor mama चश्मा. दोपहर के 3, 3:30 बज रहे हैं। मैंने अभी आंवला सब काट के ना थोड़ा नमक डाल के जार में करके धूप देने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा धूप लग जाने से उसका जो खट्टापन है थोड़ा कम हो जाता है। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और अभी कपड़े भी उठाने हैं, सब सूख गए होंगे। नहीं यार, भींगे हैं, इतनी धूप में भी सब भींगे हैं। तो बच्चे दोनों उठ चुके हैं, अभी 3:45 हो रहे हैं और दोनों उठ के स्ट्रेट टू प्ले। और क्या चल रहा है देखो, इस छोटे बच्चे ने अपना बॉल खुद ही घुसा दिया है सोफे के अंदर और अभी निकालने की कोशिश कर रहा है। ना अंदर है ये तो रहा यहाँ है बॉल। देख 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 अजीब बच्चे अजीब शैतानियाँ। तो बच्चों को उन्हीं के हाल पे छोड़ के हम फ्रूट्स निकालते हैं। तो आज है गाइस पपाया। ठंडा होने से बांधना है, पता नहीं आशु ने उतने में पॉटी कर दिया तो हमको ठंडा होने का तो बांधेगा या नहीं बांधेगा। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, बच्चे दोनों खटर खटर खेल रहे हैं और सन्नी वहाँ पे चिकन मैरिनेट कर रहा है कल के लिए। कल से याद है, कल हम लोग एक जगह जा रहे हैं, बहुत टाइम से कहीं निकले नहीं है तो कल सोचा थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव वगैरह या ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर घूम आएंगे। रात के डिनर के लिए सब्जी बन चुकी है और आज बनी है पत्ता गोभी की सब्जी। ये है सब्जी और संदीप महाराज कहीं निकल रहे हैं। आशु कम लो मामा आउट। दिस बच्चा कैन विसल। वैसे ही वाला वही है, डबल फ्राइड है। मैं इसको बोला मान नहीं रहा था, ये देखो डबल फ्राइड है। डाइट वाला इंसान आज समोसा खा रहा है। कोई एक अजीब सा टेस्ट है। क्यों? You don't eat. You don't eat. रखो रखो रखो। देखा था। तो गाइस अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम फिनिश कर रही हूँ। रूम समेट लिया है मैंने और यार आज शाम को समोसे के लिए क्या हल्ला हो गया। एक्चुअली ना हम उस दुकान से बहुत पहले लेते थे पर बीच में एक दिन हम 6 समोसा लेके आए थे और उसमें से शायद 4-5 खराब निकला था। पर आज जो संदीप लेके आया था उसका टेस्ट वॉज, मतलब आप एक बाइट लोगे तो समझ में आ जाएगा सड़ा है। संदीप इनफैक्ट उस दुकानदार को बोल के लेके आया, मेरा पहले भी सड़ा पड़ा हुआ है। मैं बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ। 2 महीना हो गया होगा ना, मैंने जब लास्ट खाया 2 महीना। हाँ 2 महीना बहुत पहले। हम रेगुलरली हफ्ते में 2 बार समोसा ब्लॉग में भी कितना बन समोसा सिर्फ बन समोसा होता था हमारा। तो उस संदीप का वो खाने के बाद लूज मोशन, पेट खराब सब स्टार्ट हो गया था तो मैं वहाँ जाना बंद कर दिया लिटरली वहाँ पे। पर उस बार संदीप जाके दुकानदार से कम्प्लेन नहीं किया, सोचा हाँ शायद एक बार हो ही जाता है आप गलती से दे दिया। पर अगर उसको आज पता ही था आज मैंने मतलब आज गया मैंने उसको, फिर 2 महीने से मैं सोच रहा था उसके बाद बताऊं जाके कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे पास, मैंने पता नहीं चलो छोड़ दो यार क्या है हो गया ऐसे हो जाता है। क्या मन हुआ मैंने क्या बोला उसको बताने के लिए कि तुमने ऐसे ऐसे खराब दिया था, जस्ट बताने के लिए गया था और ये बता के अगर आज मुझे अच्छा मौसम मिल जाए उस उम्मीद से गया था। तो मैंने जैसे बोलने लगा उसका थोड़ा मुँह सूखा सूखा लगा, मतलब उसको डाउट था पहले से ही कि खराब हो। अरे गाइस आप संदीप थोड़ा बहुत क्लिप लेके आए, उसमें आप देखना वो बंदा मुंह में भी नहीं डाला समोसा, बस सूंघ रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। भैया यार ये समोसा खा के दिखाओ यार, मैं आपको खिला रहा हूँ ठीक है, ये खा जाओ पूरा, खा के दिखाओ मेरे सामने, खाओ। उसको अच्छी तरह पता था कि वो खराब हो चुका है वो जो गंदा उसको लगता है ना वो पार्सल वाले को देता है, और जो बैठ के खाता है उसको कंपैरेटिवली अच्छा चीज देता है। तो थोड़ा गर्मी भी था। 2 दिन से गर्मी था, तो उसका किस्मत खराब बोलो जो भी बोला, आज सभी का सभी उसका साथ खड़ा हुआ था। तो मैं जब बोलना स्टार्ट किया तब बाकी लोग जो खा रहे थे वो भी उठ के चले गए, क्योंकि उसको भी डाउट हो रहा था पर बोलने की हिम्मत नहीं था। जैसे ही मैंने बोला तो डाउट यकीन में बदल जाता है। हाँ, तो मेरा मकसद ये नहीं था कि उसके कस्टमर भगा दूं या वो। तो बस ये समोसा के शाबाश साइड में रखते हैं और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मिलूंगी कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ। Until next time, stay happy, stay healthy। अगर आज का व्लॉग पसंद आए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until next time, bye bye, good night।